हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। 19 सितंबर से दुनिया की सबसे पॉपुलर लीग यानी आईपीएल का आगाज होने जा रहा है। इस बार कोरोना के कारण आईपीएल यूएई में हो रहा है। आईपीएल को लेकर कितना तैयार है यूएई, इसके लिए एबीपी न्यूज ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी शिखर धवन से खास बातचीत की। तो मेरे को अपने उस पे विश्वास, अपनी सेहत पे विश्वास, अपनी सोच पे विश्वास, और मैंने कभी मेरे को कोरोना से मैंने कोई ऐसा फियर नहीं बनाया कि यार ये हो गया वो हो गया, और तो इसलिए मेरे को कोई वो नहीं। और पर जो एक सेफ्टी गाइडलाइंस दी गए वो जरूर फॉलो करते हैं, जैसे अभी इतनी स्ट्रिक्टनेस है कि हमारे कम से कम 8-9 बारी तो कोरोना टेस्ट हो गए हैं, हमारे को बैच लगा के घूमना पड़ता है, हमारे को कहीं होटल में भी सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड वो एरियाज हैं जिसमें वहीं पे हम जा सकते हैं और कहीं जाने को नहीं है। तो वो सारी चीजें कर रहे हैं जितना कर सकते। तो बीसीसीआई ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया और बहुत बड़ी बात है कि इस सिचुएशन में भी टूर्नामेंट हो रहा है, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अभी हम जो पिचेस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं काफी अच्छे पिचेस हैं, तो अगर वैसे रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और बट इवेंचुअली क्योंकि सिर्फ 3 ग्राउंड है तो पिचेस बार बार यूज होके ऑफकोर्स स्लो डाउन होंगे होंगे, और क्योंकि गर्मी भी ऊपर से इतनी मौसम वेदर यहाँ का ऐसा है, तो दैट्स माय थॉट टुवर्ड्स इट। जो ट्रैवलिंग कम रहेगी उससे एक फायदा रहेगा कि बॉडी थकेगी नहीं ज्यादा, जो ट्रैवलिंग से होता है, क्योंकि आईपीएल में क्या होता है रात को मैच खत्म हुआ सुबह 11 बजे की फ्लाइट पकड़ के जाना है, तो वहां पे एक जो हमारी रिकवरी होगी हर एक प्लेयर की वो अच्छी रहेगी। और रहा सवाल आपका बैट्समैन के लिए, वो रिकवरी से इतना वो नहीं है, ऑफकोर्स रिकवरी मैटर्स, बट पिचेस पे मैटर करता है कि पिच कैसी है। अभी मैं टेस्ट टीम में अभी नहीं हूँ, पर उसका मतलब ये नहीं कि मैंने आशा छोड़ दी है। अब मेरे को कभी भी मौका मिलता है, जैसे मैंने पिछले साल रणजी ट्रॉफी खेला तो उसमें सेंचुरी बनाया था, तब मैं फिर वापस मेरा कमबैक हुआ था इसमें वनडे टीम में, एंड अगर मौका मिलेगा तो क्यों नहीं, जरूर। और मेरा बल्ला हाथ में, मेरा हथियार हाथ में, तो जब तक दम है तो पूरा खींचेंगे। एंड ऑफ कोर्स गोना मिस फैमिली, फैमिली एक बड़ा इंटीग्रल पार्ट होता है हर एक की लाइफ का, एंड पर थैंक्स टू टेक्नोलॉजी कि आज कैमरा में सबको देख सकते हैं, तो आई लव बीइंग इन यू नो ग्रेटिट्यूड, एंड दैट्स व्हाई आई स्टे हैप्पी एज वेल मोस्ट ऑफ द टाइम।